कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरी बहन कौन और कहां से? मैं मिसेस हैदर बात कर रही हूं, इटली से। इटली से? जी इटली से। फरमाइए जी, मेरे आपसे दो सवाल है। जी फरमाइए। पहला ये कि मेरी वालिद है, उनको हाई ब्लड प्रेशर भी है और साथ में हाई शुगर भी है। डॉक्टर्स को चेक करवाया, वो कहते हैं सब कुछ ठीक है, मेडिसिन खाती है मगर शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों कंट्रोल भी नहीं हो रहे। बात करती होती हैं, बात करती करती नॉर्मल बात करती हैं हमारे साथ, फिर बेहोश हो जाती हैं एकदम से। उनका अच्छा। ब्लड प्रेशर और शुगर एकदम से इतना हाई चले जाता है। दिल का डॉक्टर को हार्ट का चेक करवाया था, वो भी कहते हैं कि सारा कुछ ठीक है मगर समझ नहीं आ रही कि मसला क्या है। बस वो ये कहते हैं कि ब्लड प्रेशर और शुगर जो कंट्रोल नहीं हो रही उसी का सारा असर है। अच्छा ये बताइए कि उनकी उम्र कितनी है अम्मी की? उनकी उम्र 45 है। ठीक है। और ये बताइए कि उम्र तो ठीक है उनकी, वजन कितना है? वजन उनका 95 केजी है। 95। अच्छा ये बताएं, वजन ज्यादा है। अच्छा ये बताएं कि इसके अलावा कोई खुराक में सही इस्तेमाल कर रही हैं खाना पीना? जी खुराक में बहुत ज्यादा। भूख सही खाती है? भूख सही लगती है उनको? भूख नहीं उनको ज्यादा लगती। वो शुगर की मरीज है तो वो कहती है मुझे भूख नहीं ज्यादा लगती, वो बहुत कम खाती है और खाती। बस ठीक है, आप देखें प्रोग्राम में जिक्र करता हूँ। ठीक है। मिसेज हैदर है इटली से, उनकी उम्र 45 है, इनकी वालदा साहिबा की, और 95 इनका वजन है। वालदा को हाई ब्लड प्रेशर और शुगर है और नॉर्मल बात करते करते बेहोश हो जाती हैं। मेरी बहन अम्मी के ब्लड प्रेशर और शुगर के लिए तो मैंने जो आज नुस्खे बताए वो उनमें से कोई भी नुस्खा आप इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ जो उनको बेहोशी आ जाती है और ज़ाहिर बात है उनका शुगर लेवल जो है वो डाउन हो जाता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती हैं। अब उसके लिए मेरी बहन एक तो उनको मेथी दाना आप पाबंदी से खिलाएँ, रात को मेथी दाना गीला कर लें। अगर गीला नहीं खिला सकते तो उनको क्या करें को रात को उनको मेथी दाना जो है पानी के साथ हल्दी वाला पानी बनाएं, पानी को गर्म कर लें, नीम गर्म कर लें और उसके अंदर एक चम्मच हल्दी का हल्दी डाल दें और इसके साथ साथ रात को सोते वक्त जो है इसके साथ मेथी दाने को पीस कर जो है फकीर दे दें उनको और इसके साथ वो खा लें। एक काम ये करें। दूसरा काम ये करें कि सुबह के वक्त में उनको एक लहसुन खिलाना शुरू कर दें। इसके साथ साथ एक और अमल भी है शुगर के लिए, फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अभी आप ये इस्तेमाल करवाएं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह मुझे बतलाइएगा, फिर मैं इंशाल्लाह मज़ीद बतलाऊँगा।